नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी शुक्ला। खबर अमेठी से है। प्रधान के ऊपर लगा रिश्वत लेने का आरोप। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील मुसाफिर खाना विकास खंड बाजार शुक्र ग्राम सभा हुसैनपुर के पासी का पुरवा का है। गीता रावत पति राजू रावत प्रधान के ऊपर रिश्वत लेने का लगाया आरोप। आपको बताते चले कि गीता के पति की 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। वह 4 बच्चों के साथ झोपड़ी में गुजारा कर रही है। झोपड़ी के चारों तरफ फरका लगाकर उसी में चाहे बरसात का मौसम हो और चाहे ठंडी का, खेत के बीचों बीच में रखी झोपड़ी में गुजारा करती है। गांव का सर्वे करने के लिए अधिकारी जब वहां से गुजरते हैं तब उस पर नजर नहीं डालते हैं, क्योंकि वह वास्तविक पात्र लायक है। कुछ दिन पहले प्रधान के पुत्र दिलीप कुमार द्वारा उससे आवास के विषय में चर्चा की तो 5,000 रिश्वत की मांग की। तब महिला ने अपनी चीज गिरवी रखकर दिलीप कुमार को पैसा दिया। तब भी वह आवास के लिए राह देख रही थी। आए दिन जब वह प्रधान से बात करती है, प्रधान उसे चकमा देकर निकल जाते हैं। 4 बच्चों के साथ गुजारा करने वाली महिला को कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। राशन कार्ड में भी उसका नाम नहीं है। प्रधान से कई बार शिकायत की गई, तब भी प्रधान अनसुना कर देते हैं और काफी ग्रामवासियों द्वारा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासियों द्वारा जब किसी अधिकारी से शिकायत की जाती है तब वह बात को अनसुना कर देते हैं। ग्रामवासियों द्वारा एक हैंडपंप की मांग की गई थी। पानी की तकलीफ के कारण तब भी वहां पर हैंडपंप नहीं लगाया जा सका। 5,000 रिश्वत देने पर भी आवास नहीं मिल पा रहा है। दर दर भटक रही महिला बड़ी बेटी के चोटिल हो जाने के कारण अपना 1 बीघा खेत 40,000 रुपए में गिरवी रख दिया है। लड़की की जान बचाने के लिए तब भी कोई उसका सहारा नहीं हो रहा है। उस खेत को उस महिला ने आज तक नहीं छुड़वा पाया है। इसी कारण उसे राशन न मिलने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला चीफ ब्यूरो अनिल कुमार दुबे, रिपोर्ट विंदेश कुमार, प्राइम न्यूज 24। उनका 40,000 पर खेत धरा गिरा हूँ। किस वजह से धरा है? अपनी बिटिया गोड़ टूट गया है। तो पैर में पैसा लगा सब? कैसा सरिया पड़ी है, ऑपरेशन हुआ है। अब निकल नहीं, अम्मा की अम्मा उठा लेगी। लड़की को अम्मा ले गई आपके मायके वालों ने? दो बच्चे वहाँ है। बम्बो नहीं ना हमारे यहाँ, पानी की दिक्कत है। प्रधान से बताया? प्रधान से शिकायत की है। हाँ, प्रधान से 2-3 बार कहा, कहीं बस लगवा दी, बस लगवा दी, कुछ नहीं करती। 40,000 खेत धरा है तो प्रधान का 10,000 हम दी ना पैसा। 10,000 किस वजह से दिया है आपने? कॉलोनी खाती। कौन प्रधान का दियो? उनका दिलीप का। दिलीप का। किस गांव के रहने वाले हैं? हुसैनपुर। आपका नाम क्या है? आदमी नाम? सुनील कुमार। कौन सा गांव? थोड़ा बोलो। और कौन सा जिला है? अमेठी। क्या मामला है? सर कॉलोनी नहीं मिल रही हमको, ये झोपड़ी मिलती है। कितने साल हो गए? अरे 6-7 साल। प्रधान के पास गए थे आप? जी। क्या कहा उन्होंने? यही कहा था कि हाँ देवे देवे कॉलोनी, अब नहीं अगले महीना, अगले महीना। अब गौशाला में कुछ नहीं, गौशाला नहीं मिला बस यार। ओके, क्या नाम है आपका? यार तुम्हारा नाम है तो दूर हम खुदे करे हैं, अब लाए तो पहुंचे बताओ। चलो को क्या नाम है आपका? हमारा नाम बजरंगी। पिता का नाम? प्रहलाद। कौन सा गांव है? ग्राम पूरे पासन प्रवा। जिला कौन सा है? सुल्तानपुर। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है कि हमको आवास नहीं मिला। हाथ हाथ उठा जाओ। हमारा घर पूरा कच्चा है, गिर गया है। हम बाल बच्चे लेकर कहाँ रहें? इसी में जगह दो लकड़ी लगी है, इस जगह पैर आप लेटे रहते हैं। मियाँ बीबी बच्चे हमारे वहाँ रहते हैं, छप्पर के नीचे मढ़िया झोपड़ी से बना रखे, उसी में सब हमारी बहू बेटे सब रहते हैं। हम मियाँ बीबी यहाँ लेटे रहते हैं। कोई समस्या हमारे घर की बहुत खराब है। हमको प्रधान जी ने एक आवाज भी नहीं दिया और ना देने का कोई विचार कर रहे हैं। जब जाते हैं तब कहते हैं कि हो जाएगा अगले महीने, हो जाएगा अगले महीने, पता नहीं कब होगा। जिसके पक्के घर बने उसको आवास मिल रहा है, हमारा कच्चा घर है, हमको आवास नहीं मिल रहा है। अन्य अधिकारी के पास गए आप? नहीं। कौन रोक रहा है? प्रधान कौन है? तेज बहादुर मौजूदा नाम है? मौजूदा नाम तेज बहादुर, उनका लड़का प्रधान ही करता, उसका नाम है दिलीप। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बजरंगी।
पिता का नाम प्रहलाद।